पीएचडी होल्डर्स सरकारी अफसरान के लिए बड़ी खुशखबरी है। पीएचडी होल्डर्स को माहाना 25,000 रुपए अलाउंस मिलेगा। डॉक्टर लियाकत अली अबड़ो की दरखास्त पर अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया है। तफसीलात जानते हैं बिलाल अहमद से। बिलाल, अदालती कार्रवाई क्या रही और क्या खुशखबरी है ये? जी, डॉक्टर लियाकत अली अबड़ो की इस दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। दरखास्त में ये मौकफ अख्तियार किया गया था कि जो सिंध भर के जो पीएचडी होल्डर्स हैं उनसे इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। यूनिवर्सिटीज में जो असाज़ा पढ़ा रहे हैं पीएचडी होल्डर्स उन्हें 25,000 रुपए माहाना अलाउंस किया जा रहा है, जबकि जो दीगर सरकारी महकमे हैं उनको अफसरान 10,000 रुपए सिर्फ दिए जा रहे हैं, जिस पर अदालत ने इस अमल को इम्तियाजी सलूक के मुतरादिफ करार दिया है और चीफ सेक्रेटरी को यह हुक्म दिया है कि वो 15 में एक समरी वजीर आला सिंध को अरसाल करेंगे और उसकी मंजूरी के बाद दिन भर के तमाम जो पीएचडी होल्डर सरकारी अफसरान है उनको 25,000 रुपए। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। पीएचडी होल्डर्स सरकारी अफसरान के लिए बड़ी खुशखबरी है। पीएचडी होल्डर्स को माहाना 25,000 रुपए अलाउंस मिलेगा। डॉक्टर लियाकत अली अबड़ो की दरखास्त पर अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया है। तफसीलात जानते हैं बिलाल अहमद से। बिलाल, अदालती कार्रवाई क्या रही और क्या खुशखबरी है ये? जी, डॉक्टर लियाकत अली अबड़ो की इस दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। दरखास्त में ये मौकफ अख्तियार किया गया था कि जो सिंध भर के जो पीएचडी होल्डर्स हैं उनसे इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। यूनिवर्सिटीज में जो असाज़ा पढ़ा रहे हैं पीएचडी होल्डर्स उन्हें 25,000 रुपए माहाना अलाउंस किया जा रहा है, जबकि जो दीगर सरकारी महकमे हैं उनको अफसरान 10,000 रुपए सिर्फ दिए जा रहे हैं, जिस पर अदालत ने इस अमल को इम्तियाजी सलूक के मुतरादिफ करार दिया है और चीफ सेक्रेटरी को यह हुक्म दिया है कि वो 15 में एक समरी वजीर आला सिंध को अरसाल करेंगे और उसकी मंजूरी के बाद दिन भर के तमाम जो पीएचडी होल्डर सरकारी अफसरान हैं उनको 25,000 रुपए। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका।